अस्सलाम वालेकुम, ये है एवरी जापानी। तो ये है मेरे पास, ये कह रहा है इसकी जो कूल की लाइट है ना, ये नहीं बंद हो रही। गाड़ी स्टार्ट करते हैं कूल पे रहती है। मेरे पास आई है गाड़ी स्कूल की लाइट के लिए, तो मैंने चेक किया है तो इसका ना जो पंखा है ना, पंखा डायरेक्ट ही चली आ रहा है। स्विच मैंने बंद कर दिया है, फिर भी इस तार के अंदर डायरेक्ट ही आ रहा है। ये स्विच बंद है, स्विच ऑन पे भी आता रहता है, स्विच बंद के ऊपर भी आता रहता है। ये कंप्यूटर से ही डायरेक्ट हुआ होगा, ये देख लेते। अब इसका कंप्यूटर का खोलते हैं तो चेक करते हैं। पंखा इसका ना डायरेक्ट ही चली आ रहा है, जिसकी वजह से ये गाड़ी ठंडी रहती है और कूल की लाइट आती रहती है। पंखे की रिले इसकी ये है, तो इसके अंदर जो अर्थ है ना, कूलेंट सेंसर का ग्रिप भी लगा हुआ है। ये तार, ये हमारी स्विच का करंट है, ये वाली उरली, ये वाली तार है, इसके साथ वाली ये अर्थ है। ये अर्थ हमारा डायरेक्ट ही आई आ रहा है, कूलेंट सेंसर का ग्रिप भी लगा हुआ है, फिर भी ये अर्थ आ रहा है, जिसकी वजह से ये कूल की लाइट रहती है, गाड़ी रहती है ठंडी। अब इसको चेक करते हैं क्या मसला। कंप्यूटर का ग्रिप आ रहा है तो हमारी ये लाइट भी बंद होगी। जो अर्थ आ रहा था ना डायरेक्ट, ये आ ही कंप्यूटर से रहा है। तो अब इसके कंप्यूटर को ही चेक करते हैं क्या मसला। ये कंप्यूटर लगा हुआ है इसको, यहाँ से बनेगी ये तीन नंबर तार, ये ग्रीन रेड के अंदर, ये तीन नंबर तार रेड के अंदर ग्रीन तार ही ना, ये वाली तार बनेगी हमारे पंखे की, जो कंप्यूटर से अर्थ निकलेगा। अब इसको चेक करते हैं, कंप्यूटर खोलते हैं फिर चेक करते हैं क्या। कंप्यूटर खोल लिया हुआ है, कंप्यूटर का इसका जो पंखे का आईसी है ना, वो ये सेंटर वाला है, पंखा भी इससे चलता है, ये वाला आईसी है। अब इसको लगाते हैं, ये मेरे पास बोर्ड पड़ा हुआ है, इससे ये वाला आईसी है, ये वाला उतार के लगाते हैं फिर चेक करते हैं हमारा मसला हल होता है कि नहीं। इंशाल्लाह मसला हल होगा ये लगाएंगे तो। ये आईसी यहाँ से उतार दिया है, ये यहाँ पे लगा होता है, दूसरा बोर्ड था मेरा उससे उतार के लगा दिया आईसी। ये पंखे का आईसी होता है हमारा, पंखे का इंजेक्टर की पलजे वगैरह सारी इससे ही आती हैं। मूव मीरा के अंदर तो इंजेक्टर की पलजे 850 के अंदर भी, और इसके अंदर सिर्फ ये पंखा चल रहा है इससे। अगर भाई ये कोई कई हैं भाई जो हमारी वीडियो देखते हैं, वो फॉलो और लाइक नहीं करते इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, उन भाई से भी गुजारिश है कि भाई इसको चैनल को सब्सक्राइब किया करो, इसके ऊपर आपको ऐसे बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम जो फॉल्ट होता है वो ही बताते हैं, जो फॉल्ट गाड़ी के अंदर निकलता है वो ही बताते हैं, उसके अलावा नहीं बताते कि फलानी चीज़ का मसला था, ये ख़राब था, ये नहीं था। जो इंशाल्लाह जो फॉल्ट होगा वो ही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे किसी भाई को। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो। कंप्यूटर लग गया हुआ, रिपेयर करके लगाया कंप्यूटर, ये करंट पे लगाई है तार, अर्थ नहीं आ रहा। अब स्विच लगाया, लगा ग्रिप तार, कूलर सेंसर का ग्रिप उतारते हैं। आ गया अर्थ, लगा ग्रिप, लगाया तो ग्रिप ये बंद हो गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी क्लियर है। अब ये लाइट भी बंद होगी, पंखा भी हमारा ऑटो चलेगा। इसका मसला कंप्यूटर का था, वो आईसी ख़राब था सेंटर वाला, बड़ा आईसी। अब इसको ऑटो पंखा चला के चेक करते, फिर चेक करते लाइट बंद होती कि नहीं। फैन हमारा चल गया हुआ है, बंद हो गया ऑटो फैन, यहाँ पे भी हो है। ये तकरीबन 210 के ऊपर जाके चलता है,
ऑन हो गया ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी क्लियर है। इसका मसला ये कंप्यूटर का ही निकला था जिसकी वजह से ना वो सेंटर वाला आईसी रुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से लाइट भी ये ट्रैक की रहती थी ग्रीन वाली और पंखा भी हमारा ट्रैक ही रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी के लिए इसका मसला कंप्यूटर का ही निकला।